वन प्लस एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिस इस स्मार्टफोन का नाम है वन प्लस 10T। एंड आज मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। एंड हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कि इसके डिज़ाइन है वो सेम टू सेम वन प्लस 10R के जैसे ही आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ी अलग रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाई एंड रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिल जाता है। बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 120W के चार्जर देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें रैम की, तो रैम में आपको 8GB रैम मिल जाते हैं, एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है। सिम टाइप्स की बात करें तो डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसी में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको 128GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा आपको 64MP का, एंड सेकेंडरी कैमरा 16MP का, एंड थर्ड कैमरा आपको 2MP का देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। एंड हाँ भाई, अब ये थी इस स्मार्टफोन की कहानी, एंड यानी कि इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की कहानी। एंड अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी लॉन्च डेट जो है निकल के आती है 13 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन मार्केट में आपको कुछ ही टाइम में आपको ये सेल में भी देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप सो कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।